हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के साइंस सब्जेक्ट के बारे में। साइंस विषय जनरली तीन ग्रुप में बांटा है, जो कि पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास टेंथ के बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्लास टेंथ के सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का जो है वो है जैव परक्रम। क्या है जैव परक्रम? जैव परक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब इसी जैव परक्रम में ये चार सब टॉपिक आ जाता है। क्या आ जाता है? ये चार सब टॉपिक। सबसे पहला जो है पोषण। क्या है? पोषण। दूसरा नंबर है श्वसन और तीसरा नंबर है परिवहन और चौथा नंबर क्या है? उत्सर्जन। इस तरह से अगर इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस के बाद चार ग्रुप कौन कौन सा? मेनली चार क्या बोल सकते हैं चैप्टर। तो चार चैप्टर में सबसे पहला आ जाएगा न्यूट्रिशन, दूसरा आ जाएगा रिस्पिरेशन और चौथा आ जाएगा तीसरा आ जाएगा सर्कुलेशन और चौथा आ जाएगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। तो यहां से बात करने के बाद जैव परक्रम जो पहला चैप्टर है, उसके बाद जो है जो दूसरा चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। समन्वय देखिए, नियंत्रण और समन्वय को इंग्लिश में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जनरली ये सीबीएसई बोर्ड अपने सिलेबस से रिड्यूस कर दिए, लेकिन यहाँ पे झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड का बात करें, कोई भी अदर स्टेट का बोर्ड का बात करें, तो किसी में ये सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया गया। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग जितने भी हम लोग के शरीर में हॉर्मोन्स है, जितने भी शरीर में हम लोग के एंजाइम है, वो सब के बारे में और फिर कह सकते हैं क्या कि ग्रंथि के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार से कंट्रोल करता है किसी भी चीज सिचुएशन में। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है बायोलॉजी का वो क्या है? जनन। जनन हम लोग दोनों जीवों में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पौधों में जनन देखेंगे और दूसरा नंबर हम लोग मानव में जनन देखेंगे, ठीक है। उससे उसके बाद यहां से जनन के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकता। क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिकता, इवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? इवोल्यूशन के बारे में। और लास्ट चैप्टर क्या है हमारा? पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में देखेंगे कि हम लोग कैसे जल संग्रह करके रख सकते हैं, कैसे तरह पर्यावरण को बचा सकते हैं, ओजोन डिप्लेशन कैसे होता है और अदर अदर लेयर में किस प्रकार से पर्यावरण अपना पार्टीशन किया हुआ है। तो ठीक है, तो यहां से हम लोग देख करके बता सकते हैं कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। एक एक करके एक क्रोनोलॉजी में अगर हम लोग स्टडी करें तो बहुत ही कुछ समय में पूरा चैप्टर मतलब पूरा पोर्शन बायोलॉजी का कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज पहला चैप्टर क्या कि जैव परक्रम। जैव परक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो आप पूछिएगा सर कि जैव परक्रम, ये जो टॉपिक का हेडलाइन लिखा हुआ है, जो पहला चैप्टर है एक नंबर, वो जैव परक्रम होता क्यों है और क्यों ये जैव परक्रम का नाम सिर्फ जैव परक्रम क्यों रखा, दूसरा नाम क्यों नहीं रखा? तो चलिए मैं सबसे पहले इसका डिफिनेशन बताता हूं और आपको इसको क्या करना है, कॉपी में राइट डाउन करना है। लिखने के बाद आपका एक नोट्स, एक प्रॉपर नोट्स रेडी हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम के समय में आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर जैव परक्रम है क्या। वे सभी प्रक्रिया मतलब वो सभी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। सर अनुरक्षण मतलब क्या होता है? इतना शुद्ध हिंदी हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर शुद्ध हिंदी इतना नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए अनुरक्षण को इंग्लिश में मेंटेनेंस करते कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटेनेंस। हमारा बॉडी अपना मेंटेनेंस कैसे करता है किसी भी सिचुएशन में, कहीं भी रहने के लिए या जीवित रहने के लिए हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो किस प्रकार से मेंटेनेंस होता है, नियंत्रण होता है, उसी को कहते हैं अनुरक्षण। तो वे ऐसा प्रक्रिया, कोई प्रक्रिया होता होगा हमारे शरीर में, कोई क्रिया होता होगा हमारे शरीर में, तो वैसे क्रियाएं को, क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव परक्रम कहते हैं या वे जैव परक्रम कहलाती है।
तो ठीक है, तो ये आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैव प्रक्रम को डिफाइन कीजिए, जैव प्रक्रम के बारे में कुछ बताइए। तो जैव प्रक्रम में सर मेंटेनेंस करने के लिए कुछ क्रिया बता रहे हैं आप, तो कौन सा क्रिया होता है सर हमारे शरीर में जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, या फिर कौन सा ऐसा क्रिया है जिससे हम लोग का शरीर को अनुरक्षण करता है, क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो कौन सा है, उपापाच्य क्रिया। क्या होता है इंग्लिश में इसको, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखिए एनसीईआरटी में बस थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा डीप में जाकर के बात करेंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें तो उसमें डीप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर एक लाइन लिख दिया है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, इसका मतलब यही है। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्या, जो जैव प्रक्रम का जो सबसे पहला प्रोसेस है, मतलब पहला मेंटेनेंस करने का जो सबसे पहला क्रिया है, वो क्रिया क्या है, उपापाच्य क्रिया। उपापाच्य क्रिया को इंग्लिश में मेटाबॉलिक प्रोसेस कहता है, जैसा कि अभी तुरंत हम बताए हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस कहता है। सर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता क्या है, ये प्रोसेस हम लोग तो जान रहे हैं सर, प्रोसेस प्रोसेस मतलब वो क्रिया, क्रिया मतलब क्या कि एक के बाद एक, दो स्टेप में, तीन स्टेप में किसी काम को करना, वो क्रिया होता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए हमको कहीं पे कुछ जाना होगा, कहीं ऑफिस जाना होगा, तो सबसे पहले हम लोग सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश होकर के नाश्ता करेंगे। फ्रेश होना ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप नाश्ता करना, तीसरा स्टेप बाइक या फिर जो भी आपके पास है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, उससे वहां ऑफिस तक जाना और फिर ऑफिस में काम करना। तो ये चार प्रोसेस, चार स्टेप हो गया। तो ये एक प्रोसेस है, कहां जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। उसी तरह क्रिया को, सभी जीव को जीवित रहने के लिए, जीव जीवित क्यों है उसके लिए मेंटेनेंस का जरूरत है, और उसमें मेंटेनेंस में जो प्रोसेस लगता है वो सबसे पहला प्रोसेस है मेटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। सर मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब उपापाच्य क्रिया। उपापाच्य क्रिया क्या है कि जितना भी हम लोग के शरीर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अभी हम बताए हुए थे क्या कि जब नियंत्रण और सम नवय पढ़ेंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से हार्मोन और एंजाइम काम करते हैं हमारे शरीर में। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि कुछ तो ऐसा होता होगा हमारे शरीर में जो कि इस लाइफ प्रोसेस को मेंटेनेंस करता होगा। तो सर मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है वैसा केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे शरीर में हमेशा होते रहता है। जब हम लोग सो भी जाते हैं तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम लोग जगे हुए हैं तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम लोग दौड़ रहे हैं तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहां से ये बात पता चल रहा है कि सर कि जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है, जितना भी केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को मेटाबॉलिक या फिर उपापाच्य क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। उपापाच्य क्रिया का अगर डिफिनेशन बोले पूछेगा तो लिखिएगा कि पूरा पूरा में क्या लिखिएगा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे शरीर में या फिर हमारे नहीं या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में प्रेजेंट हो, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब सेकेंड नंबर में आ गया सर कि सर मेंटेनेंस करने के लिए क्या सिर्फ उपापाच्य का जरूरी है, नहीं उपापाच्य का जरूरी नहीं है, सिर्फ उपापाच्य का जरूरी नहीं है। मेंटेनेंस करने के लिए हमको सबसे पहले पोषण करना होगा। क्या करना होगा, पोषण, खाना खाना होगा। सर पोषण मतलब क्या, पोषण का मतलब देखिए वह विधि जिससे क्या होता है जीव पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और सही प्रकार से प्रयोग करते हैं। सिर्फ हम लोग खाना खा लिए इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पोषण ले लिए, उसके साथ हमको क्या करना होगा, उसके साथ सही से उसको उपयोग करना होगा, ठीक है। पोषण लेने के बाद उसको सही से उपयोग करना होगा जो कि हमारे ये मेटाबॉलिक प्रोसेस ये मतलब उपापाच्य क्रिया करेगी, ठीक है। उसके बाद सर दूसरा नंबर आ जाता है श्वसन। क्या आ जाता है, श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन का अगर बात करें, मतलब श्वसन का अगर बात करें, तो वो क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या, श्वसन। जनरली ये श्वसन का जो अभी डिफिनेशन बताया ये लोअर क्लासेस में पढ़ा जाता था, लेकिन अभी आप स्टैंडर्ड 10 में हैं, दसम क्लास में हैं, इसीलिए श्वसन का जो परिभाषा है थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिसमें क्या क्या बताएंगे कि श्वसन वो
ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी प्रदान करता है जो कि कोशिका में होता है। कहां होता है? कोशिका में, मतलब सेल में होता है। अब सेल में ये जो शोषण हो रहा है तो शोषण होने के बाद सेल में क्या बना? एनर्जी। और दूसरा क्या बना? दूसरा हम लोग के पास बना कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से लेकर के परिसंचरण तंत्र द्वारा क्या किया जाता है, यहां से लंग्स के पास लाता है और लंग्स से हम लोग उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिर श्वसन को डीप में पढ़ेंगे कि श्वसन प्लांट में कैसे होता है, पेड़ पौधों में मतलब पादप में कैसे होता है, मछली जो जल में रहती है उसमें कैसे श्वसन होता है, हमारे मानव शरीर में या मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग बात करते हैं परिवहन। परिवहन, सर पोषण कर लिए, खाना ले लिए, डाइजेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, उसके बाद सर क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा? सोख लेगा शरीर, और सोख करके शरीर क्या करेगा? सभी सेल के पास जाकर के क्या पहुंचाएगा, क्या पहुंचाएगा? वो भोजन, वो भोजन। अगर मान लिया जाए परिसंचरण तंत्र नहीं रहता तो क्या हम लोग जीवित रहते? नहीं रहते। इसमें से कोई भी एक नहीं रहता तो हम लोग जीवित नहीं रहते। देखिए क्या होता है कि अगर मान लिया जाए हम लोग का शरीर को चाहिए भोजन, मतलब सेल को चाहिए भोजन। अब सेल का यहाँ पे काट करके यहाँ पे दाल और चावल को नहीं ना डाल सकते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, मतलब पोषण करते हैं। तो पोषण करने के बाद क्या होता है, वहां से सेल, सेल क्या वो ब्लड क्या करता है, ब्लड को हिंदी में रुधिर, रुधिर क्या कहता है, तो रुधिर उसको लेकर के जाता है सेल के पास। किसके पास? सेल के पास। अब सेल के पास जब रुधिर लेके गया भोजन, मतलब ग्लूकोज लेके गया, ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है खाना। अब क्या हुआ कि जो ब्रेक डाउन हो गया और चले गया किसके पास? सेल के पास। तब सेल के पास जाता है ऑक्सीजन, कौन जाता है? ऑक्सीजन। और फिर उसको ब्रेक करता है, तब मिलता है हमको एनर्जी। सिर्फ ग्लूकोज ले लेना एनर्जी नहीं है, उसका ब्रेक डाउन, अगर हमारे शरीर में एनर्जी का जरूरत है तो एटीपी के फॉर्म में लेना होगा। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। अब एटीपी का फॉर्म में अगर हमको लेना होगा तो क्या करेंगे? श्वसन, यही से श्वसन लेते हैं। इसीलिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और वहां पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मटेरियल। अब क्या हुआ सर कि जब हम लोग यहाँ पे सेल के पास खाना पहुंचा दिए, अब खाना पहुंचाने के बाद वहां सब काम हो गया, जो बाय प्रोडक्ट मिला, वेस्ट मटेरियल मिला, उसको क्या कर सकते हैं, करते हैं हम लोग उत्सर्जन कर देते हैं, मतलब एक्सक्रीशन कर देते हैं, क्या करते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखें क्या कि जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम का सबसे पहला अभिक्रिया क्या है, वो प्रोसेस क्या है, तो वो है उपापाच्य। दूसरा नंबर देखें पोषण, तीसरा नंबर श्वसन, चौथा नंबर परिवहन और पांचवा नंबर उत्सर्जन। इसके बाद हम लोग सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे पोषण के बारे में, जो पोषण को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि प्लांट में मतलब पादप में किस प्रकार से पोषण होता है और फिर एनिमल्स में किस प्रकार से पोषण होता है और ये इसके बाद पोषण कितने तरह के होते हैं और भी अदर ऑर्गेनिज्म है, अदर जीवाणु वगैरह है, तो वो सब में कवक वगैरह है, वो सब में पोषण किस प्रकार से होता है। तो हेडिंग लगाइए आप लोग पोषण, क्या लगाइएगा हेडिंग? पोषण। पोषण में लिखिए कि वह सभी विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है या फिर ग्रहण कर उपयोग करता है। अगर सिर्फ ग्रहण कर लिए तो नहीं होगा, उसके साथ क्या करना होगा, हमको उपयोग करना होगा, उसे पोषण कहते हैं। अब पोषण को दो ग्रुप में बांट दिया, पोषण को दो कैटेगरी में बांट दिया, पहला को कहा स्वपोषण और दूसरा को कहा परपोषण। पर मतलब पराया, पराया है यहां से सब लेंगे, स्व मतलब स्वयं। स्वपोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं और दूसरा नंबर पर पोषण को हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन छूट गया या फिर पोषण का यहाँ पे छूट गया है, पोषण लिख रहा है, मतलब क्या कि पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण परपोषण। स्वपोषण में यहाँ पे सिर्फ प्लांट आ जाएंगे और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि बाद में बताएंगे, बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वपोषण के बारे में यहाँ बात कर लिए। अब जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो है परपोषण। अब देखिए परपोषण जो है वो भी कितना तरह से बट गया, तीन ग्रुप में। पहला नंबर को बोला मृत जीवी पोषण, फिर दूसरा नंबर को बोला परजीवी पोषण और तीसरा नंबर को बोला प्राणी समजीवी पोषण, प्राणी पोषण। ठीक है, तो एक एक करके समझिए। मृत जीवी पोषण, देखिए यहीं से क्लियर हो रहा है कि वैसा क्या है
कि वैसा प्रक्रिया मतलब वैसा प्रोसेस जिससे हम लोग पोषण लेते हैं, कि मतलब वैसा पोषण जिसमें हम लोग मृत जीवों पर, हम लोग नहीं कोई ऐसा जीव होगा जो मृत जीवों पर आश्रित होगा, किसके लिए, तो पोषण के लिए, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, थोड़ा सुनो क्या है कि मृत जीवी पोषण वैसे पोषण को कहते हैं कि जिसमें कुछ अदर ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरे जीव जंतु मरे हुए जीव जंतु पर आश्रित होता है पोषण के लिए, ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को इंग्लिश में पारासाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पारासाइटिक न्यूट्रिशन, पारासाइटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, यहाँ पे मृत जीवी में एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इससे सेप्रोफाइटिक जो इंग्लिश है उसका, और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कवक या बैक्टीरिया, कवक या बैक्टीरिया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का है परजीवी, मतलब कोई अदर जीव पर, मतलब वो जीवित जीव होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ था, मृत जीव पर कोई जीव अगर आश्रित है पोषण के लिए तो मृत जीवी हो गया, और परजीवी मतलब क्या हो गया, जो अदर ऑर्गेनिज्म पे, जीवित ऑर्गेनिज्म पे मतलब जीवित परजीवी पे, जीवित जीव पर क्या होना चाहिए, आश्रित होना चाहिए पोषण के लिए, उसको क्या कर दिए, परजीवी। ठीक है, मलेरिया या हुकवर्म, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मलेरिया में क्या होता है, प्रोटोजोअन्स होता है, वो ये मच्छर के क्या होता है, साइट में या फिर स्टोमक में, लार ग्रंथि में क्या होता है, वो प्रोटोजोअन्स होता है, वो प्रोटोजोअन्स हम लोग में आ जाता है, उसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, सभी मच्छर को काटने से मलेरिया नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर, वो टॉपिक थोड़ा अलग है, उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का कि प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब होता है क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या, या प्राणी संपोषण का न्यूट्रिशन का मतलब क्या, कि वैसे जीव जो कि अपना भोजन एक सॉलिड, एक ठोस अवस्था में ग्रहण करता हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ठोस अवस्था में ग्रहण करते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, इंगल्फमेंट, निगलना, ये फिर कह सकते हैं कि जो परजीवी या फिर जो जीव अपना भोजन को निगलता है, क्या करता है, निगलता है, स्वेलिंग। ठीक है, वैसे जीव को क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका सबसे छोटा मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म में निम्न श्रेणी जीव में एक अमीबा है जो कि क्या होता है, पर पोषण करता है, प्राणी संपोषण करता है। ठीक है, ये मान लिया जाए अमीबा है। ठीक है, अमीबा का यहाँ पे प्रे आता है, प्रे किसको कहते हैं, जो इसका भोजन यहाँ पे कोई आया तो क्या किया, धीरे धीरे यहाँ आ गया, और ये धीरे धीरे क्या हो गया, ऐसे करके यहाँ चले गया, और धीरे धीरे यहाँ चलने के बाद ये यहाँ चल गया, और इसको ये धीरे धीरे यहाँ पे आके ऐसे बंद हो गया। अब फिर से बंद हो गया तो मतलब ये सामान क्या आ गया, ये जो खाने वाला मटेरियल इसका था वो बीच में आ गया। अब बीच में आ गया तो इसको निगला ना, ये क्या किया, निगला। तो ऐसे जीव को कहते हैं होलोजोइक मतलब प्राणी संपोषण। उसके बाद आता है मेंढक, उसके बाद आता है मानव। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। देखिए इस वीडियो का हम एक बार क्या करते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी बता देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही छोटा सा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अभी 10th क्लास में हैं तो आप लिख सकते हैं इसको, अच्छा से नोट्स बना सकते हैं, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सारे साइंस का चैप्टर डील करेंगे आज के बाद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइंस का बायोलॉजी जो आज स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद जब साइंस के बाद आ जाता है क्या, साइंस में ही बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कि हम लोग मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर, मोरल ऑफ द स्टोरी जैव प्रक्रम, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, कि वे सभी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब उपापाच्य क्रिया, दूसरा नंबर में आ जाता है पोषण, तीसरा नंबर में आ जाता है श्वसन, चौथा नंबर में आ जाता है परिवहन, और पांचवा नंबर में आ जाता है उत्सर्जन। अब देखिए पोषण का हम लोग क्या कर रहे थे, डिफिनेशन लिख रहे थे। पोषण सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पोषण, ये बहुत बड़ा ही चैप्टर है, इसीलिए क्या करेंगे, जैव प्रक्रम बड़ा चैप्टर है, इसीलिए ये सबको चैप्टर में डिवाइड कर दिए थे। वह विधि क्या, वह विधि यहां
हर्षिकर होगा, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण व परपोषण। अब परपोषण जो होता है वो तीन तरह से होता है, मृत जीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी सम परपोषण। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, जिसमें कि मृत जीवी में कवक बैक्टीरिया, परजीवी में मलेरिया हुकवर्म, प्राणी जीवी में अमीबा मेढक मानव। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स को पढ़िए, कमेंट करके ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।